नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए सेशन में। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए जिनको डांस बिल्कुल नहीं आता, जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम शुरू कहां से करें, तो आज की क्लास स्पेशल उन लोगों के लिए जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया है, हमारे साथ जो पार्टनर होंगे हमारी वीडियो में वो भी जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उनसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उनकी जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उन सभी लोगों की प्रॉब्लम है जिनको पहले डांस नहीं आता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, फर्स्ट वीडियो आएगी, सेकंड वीडियो आएगी, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी क्योंकि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो आप एक क्लास देख के फिर आगे की क्लास के लिए क्वेश्चन करेंगे कि सर नेक्स्ट क्लास कब आएगी, जबकि वो आ चुकी होती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करना, बेल आइकन के साथ ऑल प्रेस कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट इसी सेशन की नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप सीखने से वंचित ना रहें और आप आसानी से सीख पाएं। डे बाय डे जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ेगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और इस वीडियो में मेरा साथ जो देंगे वो है मेरी धर्मपत्नी पद्मा शर्मा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। देखिए कोई प्रीप्लान्ड वीडियो नहीं है, मैं जो भी सिखाऊंगा आपके सामने होगा और जो भी ये गलतियां करेंगी वो भी बिल्कुल लाइव होगा, उसमें कोई कट में नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको पता चले कि जो शुरू में डांस करने वाले जो बिगिनर हैं, जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, वो क्या क्या गलतियां करते हैं ताकि आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाएं। ठीक है, तो जो भी होगा टेक्निकल होगा, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू में एक पैर बाहर, देखिए बिल्कुल जैसे हम सीधे खड़े हैं तो पैर को उठा के सामने रखेंगे। ठीक है, अब पहले हमने कमर चलानी सीखनी, पैर उसके बाद चलाएंगे, पहले कमर चलाएंगे पैर उसके बाद चलाएंगे, ध्यान रखना। तो देखना एक बार मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं ताकि फ्रेम से आउट ना हो जाऊं, थोड़ा सा आप भी पीछे हो जाइए। चलिए कमर पे हाथ, ठीक है। अब देखो स्पेस का फॉर्मूला है, बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट बता दूं, जब भी हम डांस सीखते हैं बेसिक शुरू करते हैं तो अपने बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा स्पेस रखते हैं। ज़्यादा स्पेस किस लिए रखते हैं, ताकि हम जो भी स्टेप्स लेते हैं उनको कंफर्टेबली कर पाएं। तो इसलिए हम पैर में भी ज़्यादा स्पेस रखेंगे, मैं साइड से दिखा दूं, पैर में ज़्यादा स्पेस, कम स्पेस नहीं करेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे शुरू में, है ना। तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखना कमर सामने चलाएंगे, सामने फिर पीछे, अच्छा काउंटिंग पीछे करेंगे, देखो 1 2। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही, देखिए इनको क्या समस्या आ रही कि पूरा शरीर नहीं हिलेगा, पूरी बॉडी नहीं हिलेगी, सिर्फ कमर हिलेगी। देखिए 1, हाँ ऐसे 2। अब स्पेस बनाना, घुटने को मोड़ो, स्पेस बनेगा, देखो घुटना मोड़ लिया, अब घुटने को मोड़ के घुटना सीधा, फिर 1 2, हाँ 3, वेरी गुड 4 5 6 7 8 9। इस पैर की एडी को ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे कि इनकी एडी ऊपर नीचे हो रही है आपकी भी हो रही होगी ना, एडी को ऊपर नीचे नहीं करना है, एडी को इक्वल ही डिस्टेंस पे रखना जमीन से, अगर हमने इतनी उठा ली तो उतना ही रखना है, एडी ऊपर नीचे नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारा शरीर हिलेगा, है ना, जो कि टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है। शुरू से बढ़ रहे हैं तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिनिशिंग बढ़ती जाएगी, अगर शुरू में ही गलत करेंगे तो बाद में फिर गलतियां बढ़ती जाएंगी। चलिए एडी उठा के, ठीक है, अब इससे ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब देखो यहीं पे इतना ही रखना कमर, आगे आगे वाले पैर पे वेट डालना ही नहीं है, सीधे खड़े हो पहले, सीधे हाँ कमर निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वेरी गुड। देखिए मैं व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, लोगों को डांस सिखाता हूँ लेकिन अपने घर पे डांस नहीं सिखा पा रहा था, इनकी भी शिकायत थी, तो वो शिकायत भी दूर हो जाए और एक ऐसा तरीका मैंने निकाल लिया था कि ये मेरे काम में ही आ जाए। मेरा काम है आपको डांस सिखाना और इसी काम के कारण मैं इनको टाइम नहीं दे पाता, तो मैं इनके टाइम को अपने टाइम के साथ मैच कर लिया है ताकि ये भी सीखे और आप भी सीखें, है ना। तो अब टेक्निकली क्या था, एक तो स्पेस जो कि
इन्होंने गलतियां की मैंने आपको बताई, एक तो स्पेस पैर का ज्यादा, दूसरा क्या था एडी को ऊपर नीचे नहीं करना, इससे क्या होगा एडी जैसे ही हमारी झोल खाएगी तो पूरी बॉडी झोल खाती है, देखना एडी झोल खाएगी तो पूरी बॉडी झोल खाएगी, जो कि टेक्निकली गलत है, जो कि शुरू में बिगनर सबसे ज्यादा गलतियां यही करते हैं। और आपको बाहर जितनी भी आप अकेडमी में सीख लीजिए, कोई नहीं बताएगा ये टेक्निकल चीज़ें जो कि आपको बाद में दिक्कत देती हैं, आपके डांस में फिनिशिंग नहीं आ पाती। आप साल साल छः छः महीने डांस सीखते हैं लेकिन वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि सही दिशा में जाएंगे तभी मंजिल मिलती है ना। चलिए एक बार फिर से करते हैं, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए क्या समस्या आ रही है, मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बिगिनर्स को। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि शोल्डर भी आपका चल रहा है ना, तो आप यूं कर रहे हो, देखना वन, ये नहीं करना है। हम जो भी बॉडी पार्ट चलाएंगे सिर्फ वही चलना चाहिए, अगर हम कमर चला रहे हैं तो उसके साथ ना कंधा चले, ना एडी चले, ना घुटना चले, कुछ ना चले, सिर्फ कमर चले। अब देखना, सिर्फ देखो कमर, ठीक है, अब कंधा स्टिल रखना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब स्माइल करके, 9 10 11 12 13 14 15 16। इनको ज्यादा नहीं थकाऊंगा नहीं तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से करते हैं 16। एक एक चीज की प्रैक्टिस, पूरा सेशन है, आराम से सीखेंगे क्योंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले के साथ है, और मेरे साथ गेस्ट हैं वो भी ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मैं देख के आपको बताता रहूंगा, आप उसको सुधार करते रहना। रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करो, एक बार करो, अब देखना कंधा मत हिलाना, चलाओ एक बार, मंदीप जी फ्रेम से बाहर तो नहीं हूँ मैं, अब ये मत हिलाना, चलाओ कमर चलाइए सब, 1 2 3 4। हाँ, दो फायदे होंगे, एक तो मेरी पत्नी डांस सीख जाएगी और दूसरी मेरी पत्नी पतली हो जाएगी। दो फायदे है ना, एक डांसर की पत्नी को डांस नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घर संभालती है वो ज़्यादा बड़ी बात है। कमर मोटी क्यों है, आपकी भी होगी, वो क्यों होती, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो खुद से ज़्यादा अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो फैट ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। हम लोग जो हैं वो कर सकते हैं, फीमेल्स कम कर पाती हैं, इसलिए मैं इनको साथ लेके आऊँ, तो थोड़ा थोड़ा अपने इनके ऊपर भी ध्यान होता रहेगा। चलिए रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 कमर अच्छे से, 5 6 7 बेस को आगे लेकर, बेस अपने हिप्स को, बेस को आगे चलाओ, पीछे से देखो मटकाओ, कमर मटकाओ, 1 2 खुल के करो, शाबाश, 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया कुछ कुछ, अब चलाओ काउंटिंग के साथ, आएगा शाबाश शाबाश, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मुझे गर्व हो रहा है इस बात पे, मतलब जीरो से सीखने वाला अभी हार्डली 10-15 मिनट हुए होंगे और इनकी कमर इतनी मस्त चलने लगी है, शायद कैमरे में दिख नहीं रही, मुझे पीछे से कमर चलते हुए दिख रही थी, कैमरा भी अगर उसको नोट कर पा रहा था, आप नोट करना है ना, कोई कट नहीं मारेंगे वीडियो में, लाइव चलेगी, जो भी बातें होंगी आपके सामने होंगी, गलतियां आपके सामने होंगी, अच्छा ही आपके सामने होंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया था बिल्कुल जीरो से, 1 2 अब देखना करना क्या है, एक आगे वाले पैर को उठाएंगे, देखना 1 2 3 4 है ना, सिर्फ पंजे को उठाएंगे, हमारी पोजीशन वही है, हमने कोई पोजीशन चेंज नहीं की, बस कमर चलाएंगे तो पैर ऊपर आ जाएगा है ना। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, 1 अच्छा स्पेस का मैंने बताया था, स्पेस देना है, स्पेस कहाँ से देना है, अब ये घुटना भी हल्का सा मुड़ेगा ताकि स्पेस मेंटेन हो पाए, ठीक है। चलिए रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैं देखता हूँ कोई समस्या तो नहीं, बार बीच में आ जाइए, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 थोड़ा पैर ऊपर और उठाओ, देखो जब ऐसा करते हो ना, देखो 1
हाँ आराम से बैलेंस बना के, 1 2 3 शाबाश, 4 5 6 7 8 थक तो नहीं गए? अब पता चल रहा है कि हम डांस करते हैं तो कितना थकते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हैं। चलिए रेडी। अच्छा कैमरे पे मेरे साथ मंदीप जी हैं जो कि सारा संभाल रहे हैं, हमें फ्रेम बता रहे हैं, क्योंकि मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, तो उसके हिसाब से फ्रेम सेट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेम से बाहर ना चला जाऊँ, है ना, तो इसलिए एक बार चलिए रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया मंदीप जी, आ गया क्या इनको दिक्कत अभी भी? एक बार फिर से करिए, चलिए रेडी, मैं देखता हूँ एक बार, चलो रेडी स्टार्ट, 1 2 3 कमर कम चल रही है, कमर वही है, एक बार सिर्फ कमर चलाओ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 अब आएगी प्रॉब्लम, आएगी समस्या आएगी शुरू में, रेडी, एक बार सिर्फ कमर करेंगे उसके बाद ये पैर चलेंगे। मुझे पता चलता रहेगा जब मैं YouTube पे वीडियोज करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता आप कैसे करते हैं, अब मुझे पता चल जाएगा कि आप कैसे करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है। रेडी स्टार्ट, 1 पहले सिर्फ कमर चलाओ, जो शुरू में सिखाया था ना पहले वो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलाते रहो, अब इसके साथ हल्का हल्का पैर उठाना शुरू करो, 2 3 4 देखो कमर पीछे, एक बार मेरे साथ करो, 1 2 शाबाश, 3 4 ज्यादा पैर नहीं उठाना, बिल्कुल हल्का सा पैर उठाना, ज्यादा पैर नहीं उठाना, ज्यादा देखिए ज्यादा पैर क्यों नहीं उठाना बता रहा हूं, टेक्निकली उसके पीछे टेक्निक है, मैं जो भी बोलता हूं उसके पीछे एक वजह होती है, ज्यादा पैर उठाएंगे तो हमारा जो फोर्स है ना दो जगह डिवाइड हो जाएगा, एक तो घुटने पे और एक कमर पे, जबकि हमने पूरा फोर्स कमर पे रखना है, तो घुटने को हल्का सा, अब देखिए अगर मैं ये मोड़ूंगा तो फोर्स दो जगह आ रहा, हमारी कमर नहीं चलेगी, बॉडी हिलना शुरू हो जाएगी, है ना, जो टेक्निकली रॉन्ग है, तो आपने कमर चलानी है और घुटना हल्का सा उठाना, देखो घुटना नहीं उठाना, नीचे से जो पंजा है ना अपना टो वो बिल्कुल हल्का सा, इतना इतना बस, इतना इतना, ताकि कमर ज्यादा चले, देखो 1 पहले आगे निकालो, आगे निकालो, पीछे करेंगे तो कमर, 1 2 कम उठाओ, 3 4 5 पैर भी थोड़ा तिरछा कर रखा, पैर को इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ना, पंजा देखो मेरा सामने है ना पंजा, हाँ ऐसे, और थोड़ा सा गैप कम कर लो बस अब, हाँ क्योंकि हमारा स्पेस हमें मिल रहा है दूसरे उससे, पीछे वाला पैर भी थोड़ा सा हल्का ऐसे देखो, दोनों पैर ऐसे, पीछे वाला पैर भी पंजा, पीछे वाले पैर का पंजा भी थोड़ा सा हल्का सा सामने, देखो ऐसे खड़े हो, सीधे खड़े हो, हाँ तो ये भी सामने और वो भी, उसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये टेक्निकली चीज़ें अभी मुझे पता चल रही है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है आप क्या कर पा रहे हैं, है ना, तो देखना हमारा पीछे जो पैर है, जो भी पैर है उसको फ्लैट नहीं करना है, ये कितना है शायद 180 है, 180 डिग्री पे नहीं करना है, हल्का सा 45 डिग्री तक लेके आना है ना, 45 मतलब ये 90 हो गया, ये 90 ये 180 इसके बीच में रखना है, ठीक है, और ये भी हल्का सा 45 थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ मोड़ लो इसको, हल्का सा बस, अब चलाना, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 बैलेंस बना के, 5 6 7 बॉडी मत मोड़ो, बॉडी मत मोड़ो, यूं नहीं करना है ना, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गड़बड़ हो रही, कोई बात नहीं, आएगा 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 आएगा, रेडी, संदीप जी मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं हूँ, थोड़ा सा आप उधर जाओ, रेडी स्टार्ट, अब चलाओ, पहले कमर आगे, हाँ पंजा उठाओ, हाँ इसी पैर को इतना ही रखना है, ठीक है, अब चलाओ कमर आगे, पैर उठाओ, हाँ शाबाश, 3 4 5 वेरी गुड, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब छोड़ो, अब दोबारा करना, क्योंकि अब वो दिमाग में बैठ गया था ना, अब दिमाग से निकल गया, अब दोबारा करना ताकि दोबारा दिमाग में बैठे, आपको भी करना है, फिर से रेडी शाबाश, कॉन्फिडेंस के साथ शाबाश पद्मा शाबाश, चलिए रेडी स्टार्ट,
कमर आगे, हाँ याद रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर से मेरे साथ करो, रेडी? थक गए? पैर उठा के थोड़ी एडी और उठाओ, और इसको थोड़ा सा हल्का सा इसकी डायरेक्शन चेंज करो, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल और थोड़ा, हाँ बस कंफर्टेबल, रेडी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, आगे निकालो कमर आगे, 5, 6, 7, 8, आएगा 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 फिर से, हाँ 2, 3, 4, 5, अच्छा इस पैर को ना थोड़ा सा इस पैर से आगे रखना, पीछे नहीं करना, ये भी टेक्निक, जो हमारा सामने वाला पैर है उसको आगे रखना, ठीक है, शूज उतरवा दे, एक बार उतार दो शूज बीच में, कोई बात नहीं साइड में उतार देते हैं, आप भी कोशिश करना शुरू में शूज उतार के करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उसको अच्छे से इनकी भी नोट कर पाऊँ और आप भी बता पाऊँ कि आपको कैसे करना है। हाँ अब देखो बिल्कुल ठीक लगेगा, थोड़ा सा साइड में पंजा मोड़िए, ठीक है, हाँ बिल्कुल हल्का, अब चलो पहले कमर आगे, बस पहले कमर आगे मारनी, हाँ 2, 3, 4, 5 करते रहिए, 6, 7 करो एक बार, आएगा शाबाश, हाँ चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सेम वही प्रॉब्लम है जो आप शुरू में स्कूटी चलाते हुए करते हो, उसमें क्या होता है कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बैलेंस नहीं बनता, सेम वही प्रॉब्लम है, आपको कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है तो बीच बीच में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा, है ना, इनका बिगड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी वीडियो जो बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल सच्चाई के साथ हम आपको सिखा रहे हैं, कोई कट नहीं लगाया हमने बीच में, और जो भी गलतियां कर रहे हैं वो आपके सामने कर रहे हैं, इनको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये डांस, अब देखिए आज पहला दिन, आप नोट कर लीजिए इनको कितना आ रहा है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप खुद देखना आप में और इनमें कितना निखार आता है, गारंटी है मेरी, रेडी? थोड़ा सा हल्का सा तिरछा, हाँ रेडी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़े, थोड़ा और करें, एक बार और, चलिए रेडी, पता चल गया, कमर आगे चलानी है और हाँ बस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आगे बढ़ें, अभी कम कॉन्फिडेंस है ना, वो प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस करनी है घर पे, थोड़ा सा उधर, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं, या फिर यहीं तक जितनी दिक्कत आएंगी हम उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां दिक्कत आएगी हम वहीं पे स्टॉप करके आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देंगे। अब देखो जब कमर चलाएंगे तो आगे वाले पैर पे आ जाना, वेट आगे वाले पैर पे, देखो वेट आगे वाले पैर पे, ठीक है, फिर पीछे वाले पे, वेट शिफ्ट करना सीखिए, सबसे पहले वेट शिफ्ट करना सीखिए आगे और पीछे वाले पैर पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डांस में अगर आपने वेट शिफ्ट नहीं किया बैलेंस बिगड़ेगा, डांस का भी नहीं आएगा, आप नोट करते रहना, मैं आपको साइड से बता रहा हूँ, आप ऐसे ही करना, देख लो पहले आगे वाले पैर पे वेट, फिर पीछे वाले पैर पे वेट, आगे वाले पे, पीछे वाले पे, आगे वाले पे, पीछे वाले पे, आगे वाले पे, पीछे वाले पे, वेट शिफ्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप मैं बताऊंगा आपका पैर का उसके लिए ये जरूरी है वेट शिफ्ट करना, देखो आगे वाले पे वेट, पीछे वाले पे वेट, आगे वाले पे वेट, पीछे वाले पे वेट, आपके डायरेक्शन से बता देता हूँ, रेडी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, वेट शिफ्ट हो रहा है, अब वेट शिफ्ट क्यों बोला मैंने उसका लॉजिक समझिए, कारण समझिए, जब हम आगे वाले पैर पे जाएंगे तो वेट आगे वाले पे आ गया, पीछे वाले को हम कुछ भी कर सकते, पीछे वाले को उठा लेंगे, ठीक है पीछे वाले को उठा लेंगे, चलिए उठाइए, 1, देखो आगे वाले पे वेट डालेंगे तो पीछे वाले को उठा लो, 1, पीछे वाले को उठा लो, पूरा उठा लो, 1, 1, हाँ शाबाश, 2, 3, 4, 5, आगे वाले को उठा लो, 6, 7, 8, अब कमर चलाओ जैसे पहले चला रहे थे, 9, 10, 11, 12, पैर को ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, हल्का सा, हाँ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, चलो बीच में आके चलो, मैं देखता हूँ क्या क्या दिक्कत है। रेडी स्टार्ट, चलो रेडी स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दिक्कत क्या है बता रहा हूँ, एक तो दो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो ये कि हम पैर को है ना वैसे ही रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, तो देखो जब तक बॉडी स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा तो स्टेप कैसे ठीक आएगा ना। बॉडी स्ट्रक्चर ठीक कैसे होगा, देखो मेरी बात सुनिए, गलती क्या बता रहा हूँ मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो ये पैर अगर ऐसे होगा और ये पैर अगर ऐसे होगा, दोनों अगर ये 180 है ये 90 है, तो दोनों अगर ऐसे होंगे तो कैसे होगा देखना, स्टेप कैसा लगेगा, उतनी फिनिशिंग नहीं दिखेगी, है ना। तो मैंने बताया था एक तो 45, ये भी 45, ये जरूरी है, इससे क्या होगा बिल्कुल पैरों में कोई जोर नहीं आएगा, शरीर में स्ट्रेस नहीं आएगा, एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप आगे कर रहे हो तो आगे वाले पैर पे ज़्यादा वेट डाल रहे हो, ज़्यादा वेट नहीं डालना, इक्वल वेट, हल्का सा शिफ्ट करना बस, हाँ हल्का सा वेट डालना, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी दो, ये सोल्व कर लोगे तो बस परफेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, शाबाश, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वेरी गुड। तीन बेसिकली चीज़ें आज की क्लास में मैंने बताई हैं, पहली क्या थी कमर चलन, 1, 2, 3, 4, दूसरी क्या थी कमर के साथ पैर उठाना, 1, 2, 3, अब देखो अच्छे से हो रहा है, 4, 5, 6, ठीक है। तीसरी क्या थी दोनों पैर चलाने, वेट शिफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, कोशिश करो शाबाश आएगा, चलिए रेडी स्टार्ट, रेडी स्टार्ट, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा दोनों पैर पे इक्वल हल्का हल्का वेट, पीछे में अगर ज़्यादा वेट डालेंगे तो कैसे लगेगा, पीछे में ज़्यादा वेट नहीं डालना, हल्का हल्का वेट डालना, ज़्यादा पैरों के ऊपर स्ट्रेस भी ना आए, है ना, हल्का हल्का वेट, 1, 2, हल्का हल्का वेट, तो पैरों में देखना, आप खुद देख आप नोट करना, पैरों में जो पहले ज़्यादा जोर आ रहा था ना कमज़ोर आएगा, है ना। ये चीज़ें आपको अकेडमी में पैसे देकर भी नहीं बताएंगे, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों की प्रैक्टिस चेक करूँगा, जितनी प्रैक्टिस ये करके आएंगे उतनी आप प्रैक्टिस आपकी भी मैं मान लूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये फर्स्ट सेशन था, ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे, कब तक, जब तक व्यूज़ आते रहेंगे, है ना, क्योंकि व्यूज़ से ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हमारी प्रेरणा बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो लाने की प्रेरणा हमें जब ही मिलेगी, जब ये वीडियो के व्यूज़ अप होंगे, और वो कब होंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या समस्या आ रही है, क्या सेम वही प्रॉब्लम थी जो इनको आई है, कि आपको भी वही आ रही है, है ना। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट क्लास में वो सारी प्रॉब्लम्स लूँगा आपकी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो जो समस्या आप नहीं बताएंगे वो समस्या मैं आपकी सोल्व करूँगा इनके साथ मिलकर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो साथ में ऑल आएगा, ऑप्शन में ऑल दबा देना, तो नोटिफिकेशन जो भी होगी अगली इसी सेशन की नेक्स्ट वीडियो आपको कब मिलेगी, जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। और जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ेंगी, हमारा ये सेशन आगे बढ़ेगा, आप इस वीडियो को जल्दी देख रहे हैं तो अभी नेक्स्ट वीडियो नहीं है ये, अगर आप 2, 4, 5 महीने पहले देख रहे हैं तो जो पहले वीडियोज इसके आने वाली वीडियो जो भी हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको सेकंड सेशन देखना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सेकंड सेशन का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जब तक आप प्रैक्टिस कर लेना, ये भी करेंगे, और आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार।